हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो आपके हैं सन साइन, मून साइन, एयर साइन। आप उनको वीनस साइन, नॉर्थ नोड, आप जिस साइन से भी अपनी रीडिंग चेक करते हैं वो आप देख सकते हैं। हम देखेंगे करंट फीलिंग्स, ठीक है, सारे साइंस की, एरीज से लेकर पाइसिस तक। आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? सबसे पहले करेंगे हम एरीज की, ठीक है। प्लीज सेंड जस्ट ऑन द स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड करें एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। मैं ज़्यादा कार्ड पुल नहीं करूँगी, 3 कार्ड पुल करूँगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें, इस रीडिंग में सारे साइंस कवर करने हैं। एरीस आपका सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है, नॉर्थ नोड भी हो सकता है। आप जिस साइन से एरीस खुद को समझते हैं, आपके नाम के हिसाब से भी आप एरीस हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज सेंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। 5 ऑफ वैंड्स, दी डेविल, 8 ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, वो इस रिलेशनशिप पे वर्क तो करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है उनका कोई कार्मिक पार्टनर हो, और ऐसा हो सकता है उनका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो आपको पता ना हो, वो वहाँ स्टक हैं, या और उन्होंने स्टक खुद को मेंटल जेल में वहाँ खुद रखा हुआ है। अदरवाइज़ वो चाहें तो 8 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ पेंटिकल, ये कोई उनका कार्मिक अकाउंट हो सकता है, कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है। वो चाहें तो उस जगह से बाहर आ सकते हैं, वो काम करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन अगर वो चाहें तो वहाँ से बाहर आ सकते हैं। वो खुद को वहाँ पर बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी एट दी डेविल में एक चेन होती है, इसमें भी चेन है, और ये पर्सन खुद इन तलवारों के बीच में से खुद बाहर आ सकता है, लेकिन उसने अपने हाथ को खुद ही स्टक किया हुआ है और अपनी आँखों पर पट्टी बांधी हुई है। आपके पार्टनर किसी न किसी ऐसे कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मेंटली और डिस्टर्ब कर रहा है, अपने आप से उस उनके पास या उनके इर्द गिर्द वाले बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं उनसे। ये आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं आपसे और अनमैरिड भी हो सकते हैं, इर्द गिर्द वाले उनसे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स या तो आप ही हो सकते हैं, वो किसी कार्मिक पर्सन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन वो खुद ही अपने आप को स्टक करके बैठे हुए हैं। एरीज की रीडिंग हो गई, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे लियो के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड करें कि लियो के पार्टनर अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड करें कि लियो के पार्टनर अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड करें लियो के पार्टनर अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। मैं 3 कार्ड पुल करूंगी लियो आपके लिए, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड करें लियो के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। आप लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, ये किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर कोई ना कोई आपको ऑफर देना चाहते हैं, एंड नाइट ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, कोई ना कोई वो इन फ्यूचर आपके लिए कोई ना कोई मैरिज प्रपोज़ल आपको देने का सोचते हैं, लेकिन वो इस वक्त किंग की एनर्जी में नहीं है। दी हेरोफेंट, उनकी वो सोचते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी है कि आगे चल के ये रिलेशनशिप एक किसी अच्छी बिग ऑफर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो आपको इस वक्त कोई ना कोई जेस्टर दे सकते हैं, कोई ना कोई आपको आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। वो कुछ इस मूड में, वो आपको अपना कंपैटिबल समझ रहे हैं, वो आपको अपने जैसा समझ रहे हैं, वो आपके साथ इमोशनली इक्वली बैलेंस खुद को समझ रहे हैं,
वो बहुत ज़्यादा आपसे मतलब कि एक इमोशनली एक अटैच है, लेकिन आपको वो कोई बिग ऑफर नहीं दे सकते। वो इन फ्यूचर इस चीज़ का सोचते ज़रूर हैं, लेकिन वो इन फ्यूचर ऐसा कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी नहीं कर सकते। अभी वो पेजेस की एनर्जी में, वो अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपको इमोशनल समझते हैं, ख़ुद का कंपैटिबल समझते हैं, लेकिन ये ऑफ़र देने के लिए बिग, कोई बड़ी ऑफ़र आपको देने के लिए या कोई आपको मैरिज ऑफ़र देने के लिए वो कैपेबल नहीं है अभी। ये हो गई लियो की रीडिंग। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज सेंड अस एन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए सैजिटेरियस के पार्टनर मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज सेंड अस एन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए सैजिटेरियस के पार्टनर मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज सेंड अस एन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए सैजिटेरियस के पार्टनर मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज सेंड अस एन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए सैजिटेरियस के पार्टनर मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ फैन, किंग ऑफ फैन। सैजिटेरियस आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। क्वीन ऑफ कप, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन की तरह देखते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं, वो एक न्यू ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। किंग ऑफ फैंड्स, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी देखते हैं, वो ज़्यादा आप वो आपको इमोशनल भी समझते हैं। सिक्स ऑफ फैंड्स, टू ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ फैंड्स। आप के साथ ऐसा हो सकता है आपकी सिक्स डेट ऑफ बर्थ हो या सिक्स आपका कोई ना कोई नंबर हो आपसे कनेक्ट करता हो, सिक्स मंथ हो आपका, कुछ भी आपसे कनेक्ट कर सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ आपका मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, टेन भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ और उनका जो भी पास में हुआ उन सब चीज़ों को चेंज करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो आपको इस वक्त लाइफ में देख रहे हैं, वो आपके साथ एक न्यू ऑफ़र आपको देने के लिए सोच रहे हैं। उनके माइंड में सिर्फ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट है, लेकिन पास्ट में जो कुछ हुआ वो चाहते हैं आप उन सब चीज़ों को एक एंड करें और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें। वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं और वो ख़ुद एक किंग की तरह आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। अब हम देखेंगे लिब्रा की। प्लीज सेंड अस एन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज सेंड अस एन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज सेंड अस एन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की क्या हैं करंट फीलिंग्स उनके लिए। दी हाई प्रेस्ट्रेस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खामोश हैं इस वक्त। दी वर्ल्ड, एक साइकिल ख़त्म हो रही है, एक साइकिल का एंड हो रहा है उनकी ज़िंदगी से। दी हेरोफेंट, वो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो रही है जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, उनको पता है, उनको नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हैं, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में एंड हो रहा है, कोई ना कोई उनको गाइड कर रहा है या उनको हायर नॉलेज से पता चल रहा है, उनको कोई ना कोई एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है उनकी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, उनकी नाइट रूटीन बिल्कुल चेंज हुई हुई है। सिक्स ऑफ कप, वो एक सोलमेट की तरह रिलेशनशिप को एक अपनी ज़िंदगी में इंटर करना चाहते हैं। वो सोलमेट की तरह एक रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में एंटर चाहते हैं। क्वीन ऑफ फैंड्स, वो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, वो चाहते हैं कोई ना कोई एक न्यू वक्त, एक न्यू टाइम आपके साथ स्टार्ट हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो किसी और की तरफ उनको कहते हैं, या तो उनको किसी और कहीं ना कहीं उनको मशवरा देते हैं, लेकिन दिमाग उनका कहीं और जाता है। वो कुछ
कंफ्यूज टाइप पर्सन है, अपनी साइकिल सेंड कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको पता है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है। ये थी लिब्रा की रीडिंग। अब हम देखते हैं एक्यूरियस की रीडिंग, एक्यूरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे बताइए एक्यूरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे बताइए एक्यूरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। एक्यूरियस के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे बताइए एक्यूरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, वो उनके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हेरफेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है वो आपको कोई ना कोई मैरिज ऑफर देना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन पेज ऑफ सोर्ड उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, बहुत ज़्यादा एंगर है आप में। ऐसा हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया हो, बहुत ज़्यादा कट थ्रूट बना दिया हो, ब्लंट नेचर का बना दिया हो। आप सिर्फ सच सुनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, आपको चाहिए सच, जो पास्ट में हुआ उसके बारे में सच, या तो जो गुजर गया उसके बारे में सच, या जो किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया उसके बारे में सच। आप सच सुनना चाहते हैं अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर आपको एक मैरिज ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए एक बेसब्र हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर की थी करंट फीलिंग एक्यूरियस। अब देखेंगे हम जेमिनाई के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जेमिनाई, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, चलिए चेक करते हैं। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे गाइड करिए जेमिनाई के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। जेमिनाई के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे बताइए जेमिनाई के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे बताइए। पेज ऑफ फ्रेंड्स, द टावर एंड फाइव ऑफ फैंस, दी हेरोफेंट। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जेमिनाई, और ऐसा हो सकता है पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो, या आपकी तरफ से कुछ ना कुछ झूठ बोला गया हो, या आपके पार्टनर की तरफ से। इसका जितना भी आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन था वो सब बिखर गया है। आपके आप दोनों के बीच अट्रैक्शन तो अभी भी है, लेकिन मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से। एक वर्बली आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक मेंटली आप दोनों क्लाउडेड हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है एक दूसरे के लिए। आप लोग को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं, आप चाहते हैं कि आपको कोई और इस सिचुएशन में गाइड करे, आपको आपको गाइडेंस चाहिए कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। आप मूव करना चाहते हैं एक रिलेशन अपने रिलेशनशिप की तरफ, लेकिन आप इस आप चाह रहे हैं कि आपको क्लियरिटी मिले कि क्या हो रहा है इस सिचुएशन में आपके लिए। आप थोड़े से अपने ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पर्सन पे, या तो आपके पर्सन आप पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने जमना है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखी, या तो आप नहीं कर पा रहे, ये वाइस वर्सा भी चलती है रीडिंग। ऐसा हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हों या आपके पार्टनर की हों। जमना की देख ली, अब हम देखेंगे वाटर साइन पाइसिस की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे बताइए पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे बताइए पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। पाइसिस क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए कि पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। एट ऑफ फ्रेंड्स एंड थ्री ऑफ फ्रेंड्स एंड किंग ऑफ फ्रेंड्स। स्पाइसिस, आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, कोई ना कोई डिसीजन आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करें, कुछ वो किंग की फॉर्म में आए।
आपको पता है वो अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, आपको पता है आप भी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इक्वल बैलेंस चाहते हैं पाइसेस आप अपनी रिलेशनशिप में। आपकी आपकी ये दिली चाह है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। टेन ऑफ पेंटिकल, आप एक फैमिली अपने अपने पर्सन से चाहते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सूट आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हुए हैं और कट थ्रोट हुए हुए हैं। आपको सच सुनना है, आपको एक डिसीजन मेकिंग चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं चाहिए अपने पार्टनर से। ये आपके पार्टनर एरीस लियो सैगिटेरियस हो सकते हैं, ज़्यादातर एरीस लियो सैगिटेरियस है, और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, पाइसिस हो गया, अब हम करेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे बताइए स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हार्ट ब्रोकन स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपकी किसी ना किसी एक्टिविटी से, या किसी ना किसी आपके पैटर्न से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। अट्रैक्टिव हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, लेकिन जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं जस्टिस हो, वो आपके आपसे कोई ना कोई ऑफर चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी में आपकी तरफ से आए, वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हुए हुए हैं अपने, अगर आप नहीं भी आ रहे तो अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं। वो मेंटली स्टक हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, उनका माइंड क्लाउडेड है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनको क्या स्टेप देना चाहिए आपकी तरफ, लेकिन वो अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर स्कॉर्पियो आप कोई स्टेप लेंगे तो वो आगे से थोड़े से हार्श हो सकते हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अब हम रीडिंग करेंगे, स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस हो गया, कैंसरियन हो गया। कैंसरियन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज एंजस एंड स्पीड गाइड मुझे बताइए। कैंसरियन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसरियन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए थे इसलिए मैंने रख दिए, टाइम नहीं है हमारे पास। 3 कार्ड्स पुल कर रही हूँ सबके लिए, आपके लिए भी यही किए हैं। दी हैंगमैन, आपके पार्टनर हैंग्ड हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो कोई ना कोई आपको ऑफर देना चाहते हैं। दी हाई प्रिस्टेस, वो इस वक्त बिल्कुल साइलेंट मूड पे हैं, कोई भी आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो आपके ऊपर स्टक हैं, वो हैंग्ड हैं आप पे, लेकिन वो आपको कोई ना कोई कप ऑफ लव देना चाहते हैं, कोई ना कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। आपने ऐसा हो सकता है कि बात उनसे ख़त्म करिए, वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, वो आपको अपना कंपैटिबल समझते हैं। ठीक है कैंसरियन, अब हम करेंगे, एयर साइन हो गए, वाटर साइन हो गए, फायर साइन हो गए, अब वर्गो की रीडिंग करेंगे हम। ठीक है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए। वर्गो मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एस ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर क्लियरिटी चाहते हैं वर्गो, आपके पार्टनर क्लियरिटी चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, वो इस वक्त वेट कर रहे हैं आपका, वो बहुत अदर स्ट्रेंथ में, वो सच हो या झूठ हो वो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो क्लियरिटी चाहते हैं। जो भी आप पास में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप उनको क्लियर करें। दी हर्मिट, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल,
पेज ऑफ सोर्ड, वो आपको स्टॉक करें कहीं ना कहीं से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर में है। वो इस वक्त आपसे सिर्फ सच सुनना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं आपके पार्टनर, और उनको क्लैरिटी मिलती है तो वो मूव ऑन मूव करेंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए। वो आपके मैसेज या टेक्स्ट या किसी भी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ में हैं। ठीक है वर्गो, अब हम करेंगे कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। कैप्रिकॉर्न अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है कैप्रिकॉर्न कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच। फोर ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं। वो इस रिलेशनशिप में फोर ऑफ पेंटिकल, वो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप में रोक कर बैठे हुए हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अगर उनके उनका लव है आपके लिए तो कंट्रोल किया हुआ है। कुछ ना कुछ उनको पास जो भी चीज़ें हैं आपके आपके मुतालिक, वो सब अपने पास कंट्रोल करके बैठे हैं। वो लव हो गया, वो कोई केयर हो गई, वो कोई जेस्टर हो गया, सब कुछ कंट्रोल करके बैठे हैं। वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक न्यू बिगनिंग कैसे की जाए, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि वो आपको कोल्ड में छोड़ के चले जा चुके हैं। वो पास्ट में उन्होंने आपके साथ रॉन्ग किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो आपके लिए बहुत ऐसा साबित हुए कि आपको उन्होंने हर्ट किया है पास्ट में। उन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम करेंगे, लास्ट साइन है ये हमारा टॉरस। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। टॉरस के पार्टनर मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स, टॉरस मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं टॉरस के पार्ट टॉरस की। सिक्स ऑफ सोर्ड एंड फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई इर्द गिर्द उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, वो कोई ना कोई उनको उनको गाइड करती रहती है, या तो उनकी उनको कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर। वो किसी को शायद आपके बारे में बताते हैं कि आपको उनको कोई ऑफ़र देना है, वो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है उनके माइंड में आपकी तरफ आने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, वो कोई ना कोई आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं ताकि आप उनकी ज़िंदगी में रह सकें। वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन बीच में हर्डल्स बहुत सारी हैं, वो इस तरीके से आपकी तरफ मूव कर नहीं सकते। आसान नहीं है उनके लिए, उनको बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करना पड़ेगी आपको ये ऑफ़र देने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या वो मैरिड हो सकते हैं तो उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है कौन लोग हैं जो उनको आपकी तरफ आने से रोकते हैं। उनको पता है उनको ये फ़ाइट करनी पड़ेगी आपको ये ऑफ़र देने के लिए। मैरिज ऑफ़र हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, कोई स्टेबिलिटी हो सकती है। मैंने सारे साइंस की करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करी है। आप जो अपने साइंस देखते जाएँ, टाइम स्टैंड पे नीचे जाके अपने टाइम को आप लोग खुद लिख दें, जो भी ये कर सकता है ये काम कर दें। और ये रीडिंग में यहीं पर ख़त्म करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।